भाई जो को ये अभिषेक को सपोर्ट करो, इसको किया को नहीं भाई, इसको सपोर्ट करो भाई अभिषेक को भाई, जो भी है भाई। भाई अपने बाबू भैया के साथ तलिया तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा होने नहीं चाहिए था कुछ भी भाई। अपने मतलब नहीं तुम उसको करवा रहे हो, तुमने उसे निकाल दिया भाई, वोटिंग के जरिए निकालो ना भाई। इस बंदर को सपोर्ट करियो, कोई भी करियो, इस बंदर और मुनावर और इस जुनावर किसी को नहीं, ओनली अभिषेक को। अब अभिषेक को जिताना है ओके। चिंटू के लिए क्या बोलोगे? बंदर है बंदर, ये तो मैं बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, देता पागल है, जाने कहां से आ गया बिग बॉस में। अरे भाई तू सही है भाई, तूने सही तमाचा मारा, थोड़ी हॉकी आई मारना था भाई, हाँ तेज मारने चाहिए थी, माफिया भी मत मांग भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना थी, सब कुछ कुछ चीज वो कुछ वो कुछ ना है वो, बस टायर रोड टायर उठो दांगे वालो देखो उधर गिरा दे तन्ने कुछ थोड़ी ना वो पगल आओ का खाली पेंट ही फटी गए दोनों बस। सो गाइस व्हाट्स अप, टू वेलकम यू रेस ब्लॉग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश रहो, मौज करो, अपनी जिंदगी काटो भाई। यहाँ देख रहे हो आज पुराने घर पे रुके हम लोग रात में, लेकिन भाई जिंदगी में कुछ होना हो एक धरने के साथ दो सब डिजर्व करते हैं भाई। लो गाइस बल्ला खा लो, लो गाइस बल्ला खा लो भाई, आराम से। ये देखो भाई धरने भाई कितना सही बंदा है, देखो भाई चाय लेके आया, बल्ले लेके आया, क्यों शाइल भाई? अरे धरने भाई आज कानपुर चल रहे साइकिल से पैदल पैदल। अबे भाई सबसे ज्यादा घर पे कोई यकीन नहीं कर रहा था उसके, पैदल आए हम लोग। अबे हमें ना यकीन है तो हमें सबसे ज्यादा खराब ये यकीन ही नहीं करे, पैदल आए कल ब्लॉग देख लियो। अरे भाई साहब रात में टांगे ना सीधी, हम वही से कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, बाद में इधर पहले जा रहे उधर पे फोन आ रहे हो, फोन आ रहे हो बोर्ड चाहिए, हमने फोन आने मुठी है नहीं, हमें उठे टांगे सीधी ना नहीं यार। 6 बजे तो हम लोग सोए थे सुबह, हाँ हम लोग 6 बजे खत्म सोए, तुम लोग काम ही खत्म कर पाओ 6 बजे 7 बजे का लोग काम खत्म, फिर हम लोग सोए, हम तो 12 बजे बहुत नींद ना भैया, टांगे इसी दर्द हो गए, इसी दर्द हो गए, इसी दर्द हो गए, जे काम मेरे सरों दर्द ही रहा, हमने मरा साल। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग भाई, यही होता है देखो ब्लॉगर आदमी में ब्लॉग बनाता रहेगा, यहाँ पे बल्ला गायब, चलो कोई नहीं, फिर भी क्या ही अपना तो काम है, तो काम करना चाहिए पहले, चाय खाएंगे मेरी ले चाय गायब। चलो भाई लेट्स गो, चलते हैं अपने घर पे अब आराम से भाई, 4:30 हो गए, 4 बज गए भाई, और BTS हमारे साथ में है इसका खाना भाई, इसको सब लोग BTS बोलना आज की बात। अब जा रहे घर पे, घर पे जाके भाई थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे साथ। और कितनी रेस्ट करने है भाई, रेस्ट ही रेस्ट करनी है, घर पे जाएंगे चाय पियेंगे भाई, चाय भी नहीं शाम को आएगा, आएगा शाम को, फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे भाई, फिर सेम DC भाई, डेली ब्लॉग डालते हैं यार, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि ब्लॉग बेकार होते हैं, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, कभी कभी होता है जो बोरिंग ब्लॉग चलाते हैं, बट आप देखते रहा करो, आप देखते हो तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता है, आपके एक व्यूज से कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है कि हाँ भाई अगर 100 लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मुझे 100 लोग तो कितने अच्छी बात है, 100 लोग मुझे टाइम दे रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं, जो मैं 20 मिनट के ब्लॉग निकालना हूँ 30 मिनट निकालना, बट वो लोग अपना टाइम मुझे दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है भाई, मैं उन 100 लोगों के लिए करूँगा, बाकी कोई नहीं, उन 100 लोगों के लिए करूँगा, और जो नए ऑडियंस आई उसके लिए भी करूँगा, मतलब जो है सबके लिए करूँगा, मैं पूरी दुनिया के लिए करूँगा, एकदम से चेंज हो गया। सही है भाई, मैंने हाई किया, तूने हाई का रिप्लाई नहीं दिया, मैंने हाई किया, हाँ नहीं भाई उठे कन क्या एटीट्यूड दिखा रहा था भाई, कोई बात नहीं भाई देख लिया वो मैंने, चल जा जा चले यार, अरे कुछ नहीं भाई बस 5 मिनट थोड़ा और भाई ये बोल रहा है कि कोई तगड़े आदमी से मिलो, सब्सक्राइबर ग्रो करवा, मैंने कहा तू है और क्या तगड़ा आदमी चाहिए, 1 मिलियन गाइस ये थारा भाई। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं शाम को, बताइयो तो आई जी, ठीक है कहीं से पैदल आइयो ना, तो पैदल, हाँ कल खुदाईगंज से, कल खुदाईगंज से पैदल लाई जे मंदिर से, बताओ खुदाईगंज शक्ति है उतने का होते तुम्हें पता चलती शक्ति कैसी थी बोलना, अबे तारीफ करो तो करना, हम नहीं करे काहे ना भाई, ये बोल रहा था अभी कि तेरे बोलने का जो तरीका है ना वो बहुत सही है भाई, और अब बोल नहीं रहा है, मैंने कहा मेरी ब्लॉग खोल लो तारीफ कर दो उसमें, तो बोल नहीं रहा है, बोल दे रहा भाई नहीं, हाँ वही तो बता रहा हूँ, हाँ बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, ब्लॉग बनाकर और सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू ब्रो, थैंक्स ब्रो घर ढीलने के लिए यार मेरे भाई, कभी कभी स्कूल के दोस्त भी काम आ जाते हैं, तूने ये चीज सिखा दी मेरे को। सो गाइस ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, देखो भाई कितना सही लग रहा है यार, गरम गरम चाय, ब्रेड, कचौड़ियाँ और कचौड़ियों के साथ चटनी भाई, आज तो फुल्ली मजा आने भाई, खाई इसको खा के पेट भर जाएगा मेरा, तभी मैं घर पे खाना नहीं खाता हूँ, मम्मी कचौड़ियाँ पता मुझे क्यों दी, मम्मी ने कचौड़ियाँ मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं खाना नहीं खाता हूँ चाय पीने के बाद, तो मम्मी ने इसी में चौका मार दिया, ब्रेड भी दे दी साथ में कचौड़ियाँ भी दे दी, खाए पाद रही हो काजल यार, लूसी है
तो इन भैया की अभी हम आए बाहर, हमने देखा कि जैसे हमें बहुत बुरा लगा देख के, तो इन भैया का जो है ये खराब हो गया है। क्या हुआ के भैया, सबको सही है बताइए, नहीं तो हम अंदर जगह लेटन लेटन की नहीं यार मम्मी दिया जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं भाई, लाडपुर जा रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस, कल की बात बताऊं मैं धन्ने की, एक धन्ने जो आ रहा तू होता विशाल, तू अच्छे से बताता भाई। भाई तू तो बात कर रहा था है हां, बोले नगर पालिका परिषद बोर्ड लगो, हां बोलो क्या विशाल का देखो पर बोलो चल नाते हमें तुझे कब पे पलंग की कब पे, हम खुद अपने मजा में पकड़े थे, कपड़े का बता कब का बढ़ रहा नगर पब्लिक स्कूल, नगर पालिका नहीं नगर पब्लिक स्कूल। भाई आपका लॉजिक तो कमाल का है, देखा फूकी गाड़ी भाई, टिप्स ले लो भाई, जो लड़की पीछे बैठी होती है धन्ने कैसे करते हैं भाई, लगी थोड़ी ना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना थी, सब कुछ कुछ चीज वो कुछ वो कचू ना है वो, बस टायर टायर उठो दांगे वालो देखो उधर गिरा दे धन्ने कुछ थोड़ी ना वो पगला होगा, खाली पेंट ही फटी गए दोनों बस। देखना भाई रोड रोड देखना, ये डालेगा गड्ढे में, देखो ये जेल ले हैं, अरे क्या कर रहे हैं यार विशाल, अरे 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 देखो देखो कहां जा, देखो देखो भैया थोड़ी लाइट ज्यादा मारो, रात होगी भैया की गाड़ी नहीं बन पाई, भैया बाइक उठा रहे थे तुम्हें बताओ ऐसी, अरे हम हैं तो अगर कोई दिक्कत हो ठीक है, सामने जो मेरे घर है नीचे कमरा में चारों लोग डी आराम से, ठीक है फोन पड़ो तू नहीं पैसे पड़े क्या कर रही हो, हाय कर दो, हाय हाय, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस व्हाट्सएप कैसे हो, वेलकम टू योर ब्लॉग चैनल, भाई भैया का चैनल सब्सक्राइब करो। धन्ने प्रवास की कौन सी मूवी निकली, प्रवास की नई मूवी वो सलाद निकली है। सलाद भाई भयंकर है भाई, टेस्टी एकदम खा के दिखियो मजा आ जाए भाई। लेकिन है तो भाई बंदे ने मूवी बड़ी खतरनाक बनाई भाई, भाई सलार मूवी जिसने नहीं देखी देखो जाके, बहुत सेक्सी मूवी, बहुत भाई ने बहुत बंदे ने मतलब जो मेहनत करी आज के टाइम में भाई, वैसी मूवी चल रही है, बाकी कोई मूवी चली नहीं रही है, उसकी जो मम्मी मरती है फिर जिंदा होती है भाई साहब, ये सीन जो था बड़ा ये सीन नहीं था भाई, ओ थोड़ी देर अपडेट देता हूँ भाई, जब इसने देखी भाई से अपडेट मांगी तो मैं बता रहा हूँ ये भाई थोड़ा ट्रेलर था पहले का पिक्चर की बाकी जब देख ओके, जब गुंडा लोग पापा को मार देते हैं तब ओके मम्मी जब जिंदा हो जाती है दोबारा तब वो सीन बहुत बड़ा है, हां पिपा में हूं बेना दिखाई है हूं रात हूं ना जब हूं ना ही आता है, चल जब पर्स नहीं यार यार भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको टॉप 5 इतनी खतरनाक चीज बता रहा हूँ, जो आपने सीरीज वगैरह अगर नहीं देखी तो जाके चेकआउट मारो, देखो जाके, सबसे पहली तो जो मेरी फेवरेट आती है 100% पे वो है भाई स्ट्रेंजर थिंग, और अगर उसके बाद मेरे पे जो आती है वो है ऑल ओवर सडेड भाई, ये दोनों जो मैंने बताई पहले आप ये देखना, ये बहुत खतरनाक है, और उसके बाद देखना जाके भाई, भाई तू बता दे तीसरे नंबर पे गुल्लक, ये देख रहा है साथ ही बोला गुल्लक, देख रहा है फैमिली सीरीज है, बहुत खतरनाक है फैमिली सीरीज, आप अपनी मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकते हो, जैसे गुल्लक देखी मम्मी आपने, हाँ कैसी थी, बहुत अच्छी, अच्छा दिखाई कि नहीं, दुबई जी दिखाई, हाँ इसलिए दिखाई क्योंकि पामे लुंडा को फेल ही याद है हाँ बता है, तो आप लोग जाओ ये देखो जाके, और जो चौथी है चौथी वाली आप देखना, चौथी वाली एक चौथी बता देते, चौथी सीरीज सीरीज कोई देख ले सब बड़ी है, आप चौथी सीरीज देखना जाके सूर्यवंशी सूर्यवंशम और आप पांचवी देखना जाके जो पांचवी रॉन्ग टर्न भाई साहब देखी है, इंग्लिश में देखी पूरी पल्ले कुछ नहीं पड़ी, लेकिन भाई ये भाई खून खर्चा वाला होता है भाई, एकदम जय मारी एकदम आखी एकदम ऐसे करती उसकी उंगली टन ना, और एक अब देखना वॉकिंग डेड, और भाई सबसे अपनी हिंदी आखी आंख 90-20 लंदन और उससे भी खतरनाक वीराना गंदी गंदी चीज नहीं, हाँ भाई और साफित कॉल करो कन्नौज नहीं कर पाए घर का जो नेटवर्क आवाज चार लगी सच्ची ना भाई कानपुर चलेगा कहाँ कहाँ नहीं जाता तो कोई स्क्रिप्ट खराब हो गई भाई कानपुर चलेगा
कानपुर चली बता। हाँ कहीं तो रहे का है? वो अरे मस्त चाय टपरी कैफे खोलो है। भाई इसकी हंसी ज्यादा स्क्रिप्ट थी भाई। दंदे भाई तू कभी स्क्रिप्ट नहीं बताना मेरी आज की बात। आज तेरा पहला और आखिरी दिन था मेरी स्क्रिप्ट में। कैमरा दिखाओ नमकीन आप मम्मी के हाथ से चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है छोड़ दो तो भाई शुरू करते हैं। चाय तेरे ऊपर हाथ पे जल कोई बात नहीं ब्लैक में रखे हैं तो भाई चलो शुरू करते हैं। का पूछ रहे ना यार तो हमारे लोग की पर्सनल बात है पब्लिक को क्या बता रहे। पब्लिक कहाँ है प्राइवेट करके अपलोड करी आज। धन्ना जी देख का कह रहे हैं अब तो प्राइवेट में देखे कौन कौन खाली तुम लिंक भेज दी दुबई तक लिंक भेज दी दुबई दिया तो अपने ग्रुप में भेज दी सब ठीक है। ठीक है तुम ग्रुप में ऐड हो ना अंजा कह रहे कि जो तुम लोग कहा था तो कि जो भाई साहब पढ़त नहीं है मतलब पढ़ नहीं पाता लिखो वो हिंदी वालों तो वो हम कंफर्म करना आए थे कि जो बाकी हम नहीं पढ़ पाते सच्चाई बताए थे कल जब हमारे संगे आए रहो तो वन से खुदागंज से तो एक जगह लिखो तो नगर पालिका परिषद तुझे पता क्या पढ़ रहे थे नगर पब्लिक स्कूल जय मालिक। अब तुम बताओ जे का पढ़ी दीने भाई टीचर इनो खड़ो करने पढ़न के लिए ये ज्यादा हो गया भाई। भाई ये स्ट्रिक्ट डॉक्टर होते हैं जिनका भाई थोड़ा ख्याल रखा करो। बाहर ठंड में बैठा हुआ था भाई तो मैंने देखा मम्मी से देखो कितना लाड़ प्यार करता है मम्मी रोज रोज देती है खाने पीने को तो मम्मी को देख के पकड़ा जाता है। तो भाई ठंड में इतना बेचारे कैसे सर्वाइव करते हैं पता नहीं। देखा करो भाई कुछ खाने पीने को अगर घर में ना रख पाओ तो घर रोज खाने पीने के लिए देखा करो पता नहीं कुछ मिलता भी हो उनको नहीं मिलता हो पता नहीं भाई इनको कुछ मिलता भी हो नहीं मिलता हो खाने के लिए तो इनको भाई खाने आने के लिए दे दिया करो और बस चाहिए भाई 10-20-50 रुपये खर्च हो जाएंगे। मैं आया मैंने बाइक खड़ी की मैंने देखा जैसे गेट खोला मैंने तो पीछे आ गया मैं डरा गया देख के मैंने कहा दे लेकिन हाँ चलो कोई नहीं सीरू लूसी हुई मेरे घर पे। एक भाई एक अगर मैं बहुत पैसे वाला होता ना तो इन लोगों के लिए अलग कुछ कर देता मैं कसम से मैं कुछ अच्छा बना देता कि ऐसा कि ये लोग एक ही जगह पर रहते अच्छे से खाने पीने का सब रखता मैं मसाले देख के थोड़ा बुरा लगता है लेकिन काट लेते हैं तो लगता है कि काट लिया बट कोई नहीं घर पे इसलिए नहीं रख सकते हैं सीरू लूसी है कभी लूसी ऐसी है कि वो देख लेगी तो वो भाई फिर समझ जाओ भाई क्या ही करेगी। एक तो रोड वेलर है वो ऐसे बड़ी सीधी शांत स्वभाव की लेकिन अगर उसे कोई मिल गया भाई सब तो लपेट दे दिए वो खाओ खाओ और मुझे आशीर्वाद दो बड़ा यूट्यूबर बन गया तो अच्छे से तुम लोगों को खिलाफ बुलाऊंगा। भाई जो को ये अभिषेक को सपोर्ट करो इस कुतिया को नहीं भाई इसको सपोर्ट करो भाई अभिषेक को भाई जो भी है भाई अपने बाबू भैया के साथ पहले तो बहुत गलत हुआ है ऐसा होने नहीं चाहिए था कुछ भी भाई अपने मतलब नहीं तुम उसको करवा रहे हो तुमने उसे निकाल दिया भाई वोटिंग के जरिए निकालो ना तुमने जो कि अपने मन में आया भाई इस बंदर को बस सपोर्ट करियो कोई भी करियो इस बंदर और मुनावर और इस जुनावर किसी को नहीं ओनली अभिषेक को अब अभिषेक को जिताना है ओके तो पूरी ब्रोशी ना आ जाओ अभिषेक के ऊपर आ जाओ। मम्मी चिंटू के लिए क्या बोलोगी बंदर है बंदर ये तो मैं बिल्कुल नहीं अच्छा लगा देता पागल है जाने कहां से आ गया बिग बॉस में भाई सब लोग सपोर्ट करो अभिषेक ओके ब्रोशी ना सब आ जाओ जितने लोग हैं सब आ जाओ अभिषेक इन ईशा की मनाना की शक्ल देख ले तो मुझे गुस्सा और आने लगती है भाई जब सबसे वैसे चिंटू एकदम चूतिया है इसको इतना तमीज नहीं है कि वो बंदी जब तुम आए थे तो उसने क्या बोला था कौन हो तुम मम्मी कसम हम लोगों का कुछ नहीं है तो तू ये बोले शादी का तुम इसे ये बताओ भाई मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अरे भाई तू सही है भाई तूने सही तमाचे मारा थोड़ी होकिया की मारना था भाई हाँ तेज मारने चाहिए थे माफिया की मत मांग भाई हम लोग हैं साथ मम्मी बिग बॉस निकाले बिग बॉस को तुम हिला दिए पकड़ के।